सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कल्पना जीवन शक्ति है मगर लोग आजकल इसे सिर्फ अपनी राय बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमें हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग मजा है। आज का पंचांग 28 जनवरी 2024 दिन रविवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि, सुबह 6:11 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:45 से 6:07 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 28 जनवरी 2024 दिन रविवार, आज का दिन समृद्धि की एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच कर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। आज होने वाली घटनाओं से आपके विषय संबंधित नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी। काम करना अभी आपके लिए फायदेमंद है। आपके परिश्रम को नोटिस किया जा रहा है। एक पुरस्कार शायद स्थिति या वेतन में बदलाव की भी संभावना है। आपके नेतृत्व के गुणों को आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे। सफलता का मजा ले क्योंकि इसे आपने कमाया है। कार्यभार और प्रतिबद्धता से आज आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ नजदीकी लोग आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। पुराने ताल्लुकात और संपर्क भी आपकी मदद कर सकते हैं। केवल उन्हीं कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आप करना चाहते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझुलाहट महसूस कर रही हैं तो याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगी। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रही हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलों में दखल अंदाजी में कदम उठाने से बचें। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तेदारों के लेकर जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है। किसी भी काम को करने से पहले यह जान ले कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। आज कुछ चुनौतियां रह सकती है परंतु फिर भी आप किसी मुश्किल काम को अपने परिश्रम द्वारा हासिल करने में सक्षम रहेंगे। घर के लिए कोई खास वस्तु वगैरह खरीदने का विचार है तो समय उत्तम है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। तय किए हुए लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होते हैं तब तक आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। इस बात को बार बार याद दिलाते रहें। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। जितना ध्यान आप आर्थिक आवक पर देते हैं वैसे ही निवेश पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में आ रहे किसी बदलाव का असर आपके काम पर न हो इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के साथ हुए विवाद को सुलझाएं। शुगर संबंधित तकलीफ हो सकती है। आज आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बोरिंग रूटीन से आपको राहत मिल सकती है। कुछ नए कार्यों पर आपका ध्यान रहेगा। सकारात्मकता बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है। घर की छोटी बड़ी बातों को ज्यादा महत्व न दें। सावधानियां, अपने नजदीकी मित्रों व संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। कोई भी दिक्कत आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना उचित रहेगा। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी रखना जरूरी है। विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने न दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें।
आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाएं। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। इसका मोहब्बत के लिए आज रोमांटिक माहौल है, परंतु कुछ नया करें ताकि माहौल और रोमांटिक हो सके। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत की संभावना है। अगर सिंगल हैं तो जल्द ही कोई नया रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। अपने रोजाना के जीवन से कुछ वक्त निकालें और उनका ख्याल रखें जो आपकी चिंता करते हैं। आपका पार्टनर आपको आकर्षित करता है, आपको उत्तेजित करता है और आप उनसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल व्यतीत करेंगे। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अभी का दिन बढ़िया है। बात करते हैं करियर की। आपकी प्रबंधकीय क्षमता के बारे में आपके सहकर्मी और प्राधिकारी अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ रही है। जल्दी ही आपको पुरस्कार भी मिलेगा, बस आप इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहें। मार्केटिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नति के नए मार्ग मिलेंगे। आज आपकी प्रतिबद्धताएं आपको व्यस्त रखेगी, ऐसे में खुद के लिए समय निकालें। अपने खाली समय का सदुपयोग करें और अपने शौक को पूरा करें। आपका कोई अच्छा दोस्त या रिश्तेदार जीवन के हर चरण में आपकी सहायता करेगा। किसी पर निर्भर न रहें और याद रखें, जब तक आप असफल नहीं होते, सफलता का महत्व नहीं जान पाएंगी। आप अपने रास्ते में एक महान अवसर की बाढ़ देख रहे थे और इस तरह के अवसर के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आपको साक्षात्कार दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रत्याशित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। यह कुछ पुराने संपर्कों से भी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अपने अधिक समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है और अब उसका अंत नजर आ रहा है। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होगी, फाइनेंस को लेकर चल रही दिक्कतें भी दूर होगी। साझेदारी के बिजनेस में मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। नए काम को लेकर प्रयास कर रहे व्यक्तियों को अच्छे काम की वजह से तरक्की मिलने की भी संभावना है। दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। योजना पर काम शुरू होगा। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। आप हर काम को ठीक से पूरा कर पाएंगे। कुछ करीबी लोग आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सावधान रहें, लापरवाही न करें। परिवार के सदस्यों के लिए आप कोई उपहार खरीद सकते हैं। बात करती है सेहत की। मौसमी बीमारी हो सकती है, अपना उचित ध्यान रखें। लापरवाही नुकसानदेह है। आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई बार ऐसे शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आपने कभी पहले नहीं देखे। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पिए। आज का उपाय, सूर्य देव को जल से धैर्य दे, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।